हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएनटी कार सर्विस के इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टर्बो इंजन के बारे में और नॉर्मल इंजन के बारे में, इस दोनों में कंपेयर करें तो कौन सा बेटर है और ये कैसे टर्बो इंजन कैसे काम करता है, नॉर्मल इंजन कैसे काम करता है, टर्बो इंजन हम ले या ना ले, नॉर्मल ले कि टर्बो ले, इस दोनों में बहुत ही कंपेयर हो जाती है दोस्तों। इस दोनों में बहुत ही पिकअप और माइलेज में इफ़ेक्ट पड़ता है इस दोनों में। ये टर्बो इंजन है, ये नॉर्मल इंजन है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे टर्बो इंजन और नॉर्मल इंजन के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे टर्बो इंजन के मुकाबले नॉर्मल इंजन में क्या है और नॉर्मल इंजन के मुकाबले टर्बो इंजन में क्या है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखेंगे कि जिस कार में यहाँ पे जो टर्बो लगी हुई है, इस टर्बो के क्या काम है, आखिर हमारे कार में टर्बो देता क्यों है, तो सब कार में टर्बो क्यों नहीं होता है, ये नॉर्मल इंजन है। तो इस नॉर्मल इंजन में आपको दिख रहा होगा टर्बो नहीं है, ये साइलेंसर नीचे चल गया है और ये इंगलेट ऊपर चल गया है। जो एयर फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एयर फिल्टर से हवा घसीटता है और इंजन में कंबर्सन करके और उसके बाद इसमें फायरिंग करके सप्लाई करके जला के इधर से भेज देता है साइलेंसर से। अब हम बात करेंगे कि उसमें ऐसा क्यों दिया, इसमें बीच में टर्बो देने का क्या मतलब था। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम गाड़ी के एक्सीलेटर दबा रहे हैं, हमारी गाड़ी जोर से नहीं भाग रही है, तो उस कंडीशन में आपका टर्बो जो है वो भूमिका पूरी तरह से भूमिका निभाता है टर्बो। तो यहाँ पे टर्बो को देख लेंगे। जैसा यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए टर्बो को, ठीक है, ये हटा दीजिए टर्बो, तो बिल्कुल नॉर्मल इंजन की तरह ये भी इंजन हो जाएगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। ये साइलेंसर नीचे चला जाएगा, हवा फेंक देगा और यहाँ से जो इंगलेट लगा हुआ है, यहाँ से एयर फिल्टर से हवा घसकेगा, ये इंटरकूलर लगा हुआ है। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे, अब बिल्कुल मस्त समझा देता हूँ ये टर्बो का आखिर काम होता क्या है और इसमें टर्बो क्यों नहीं दिया है। तो देख लीजिए, सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अपन बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दिया है कंप्रेसर इनलेट, ठीक है, कंप्रेसर इनलेट यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट इसमें इस टर्बो इंजन का बात कर रहा हूँ, इसके बाद में बताएंगे कंप्रेसर इनलेट। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो इंगलेट उसमें इनलेट लिखा है, बट हम लोग समझेंगे इंगलेट। तो यहाँ पे जो इंगलेट है ये ऐसे आता है, इंटरकूलर से होते हुए यहाँ पे इंगलेट लगी हुई होती है और यहाँ से हवा घसीटता है। तो टर्बो का क्या काम है, ठीक है, ये इंजन का तो काम है सिर्फ यहाँ से एयर फिल्टर लेना, एयर घसीटना और इंजन तक पहुँचा देना, ठीक है। अब इसमें से जो एयर आता है और इसमें फायरिंग होता है, कंबर्सन बनता है, कंप्रेसर बनता है, आपका गाड़ी आगे की तरफ चलता है। और आपके कार में जब भी पिकअप रहता है, जब भी एक्सीलेटर देते हैं, तो गाड़ी फर्स्ट करके एक ही बार में सडन पिकअप पकड़ता है, तो उसमें ये टर्बो जो है पूरी तरह से भूमिका निभाता है। कैसे काम करता है टर्बो, तो यहाँ पे समझ लेंगे। इसमें दो तरह का, इधर टर्बाइन लगा हुआ होता है, इधर टर्बो लगा हुआ होता है। तो फर्स्ट नंबर देख लेंगे जो यहाँ पर लिखा है कंप्रेसर इनलेट, तो जो आपके कार में हवा घसीटता है, यहाँ से जो हवा को एयर को लेता है, तो उसमें क्या करता है, ये तो घींचने का सिर्फ काम करता है, ठीक है, यहाँ से घींचने का काम करता है। लेकिन जब यहाँ पे समझेंगे, आप किसी भी पाइप में एक तरफ से, मतलब जितना उसको घसीटने का, अभी मोटर देख लीजिए, मोटर एक तरफ से यहाँ से समझिए, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ये मोटर समझ लीजिए, ये डनमो लगी हुआ है, पानी वाटर पंप। अब ये जितना पावर होगा ये खुद घींचेगा, ठीक है, तो उसका प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। अब इसी पाइप में कोई इधर से जोर से एक बार और इधर से इसमें प्रेशर मारेगा पानी का, तो ये तो बल्कि इसमें और जोर से हवा जाएगा, ठीक है। आप चल रहे हैं कहीं पे, इस पर रनिंग लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, और आपको कोई पीछे से धक्का देगा नॉर्मली, तो आप और जोर से दौड़िएगा। उसी तरह होता है टर्बो उसी तरह होता है। तो यहाँ तो हम लोग समझ लिए कि जब भी यहाँ से हवा घसीटता है और इसके साथ कोई इधर से धक्का देता है हवा के प्रेशर से, तो इसमें और तेजी से जाता है एयर। तो यहाँ तक तो दूसरा कोई धकेलने वाला नहीं है, तो धकेलता कौन है हवा, जोर से पीछे से धक्का कौन लगाता है, तो ये लगाता है एग्जस्ट, जो एग्जस्ट से यहाँ से हवा जाता है साइलेंसर की तरफ, तो आधा जो होता है वो आधा हवा निकल जाता है साइलेंसर से और आधा जो होता है वो यहाँ से, यहाँ जो दिख रहा है ना टर्बो टर्बाइन लगा हुआ है बीच में, और इसके बीच में यहाँ पे ऑयल का कनेक्शन रहता है, जो यहाँ पे बैरिंग होती है छोटी सी, तो यहाँ से जो आधा हवा जाता है साइलेंसर में और आधा हवा फिर से इसी रास्ते से फिर से धकेलता है। तो जब एग्जस्ट से जो हवा जाता है ये गर्म हवा जाता है और इंगलेट को चाहिए ठंडा, कूल, जो एयर फिल्टर से ठंडा हवा आता है और जो एग्जस्ट से यहाँ से गर्म यहाँ से सप्लाई होता है। तो यहाँ से आते 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 यहाँ पे तीन नंबर काम क्या, कौन सा काम करता है, जिसको इंटरकूलर बोलते हैं, जो
ठंडा को हवा करता है और यहाँ तक पहुँचाता है। अब यहाँ तक तो आप लोग बात समझ गए होंगे कि टर्बो क्या काम करता है और यहाँ पे समझेंगे। और दूसरा में लिखा है कंप्रेसर निर्वहन, कंप्रेसर निर्वहन, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लगा हुआ है दो नंबर, यहाँ पे देख लीजिए जो टर्बो का कोर है यहाँ कंप्रेसर बनाता है और जोर से, और यहाँ से धकेलने का काम करता है। तो ये आप लोग समझ गए। और यहाँ पे लिखा है चार्ज एयर कूलर। चार्ज एयर कूलर का मतलब क्या है, जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जो इंटर कूलर है जो एयर को ठंडा करने का काम करता है, यही है जो लिखा हुआ है चार्जर एयर कूलर। तो हम लोग एयर कूलर भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं इंटर कूलर और एयर कूलर। तो यहाँ तक तो आप तीन नंबर तक तो समझा दिया मैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे सेवन वाल, जो भेल होता है जहाँ से एयर को रोकता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे चार नंबर देखेंगे, यहाँ इस तरफ से पहले आ रहे हैं दोस्तों, इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर से आ रहे हैं। तो तीन नंबर, एक नंबर बात कर लिए, दो नंबर बात कर लिए, तीन नंबर बात कर लिया, अब बारी है चार नंबर का, जो यहाँ पे लिखा है सेवन वाल, जो वाल होता है जहाँ से रिलीज करता है। यहाँ से हवा जाता है और यहाँ पे जब ऐसा लगता है पिस्टन के नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये भूमिका निभाता है, ये आयल गेट स्टेमसिल लगा हुआ आता है, ये नीचे की तरफ खींचा जाता है, तो यहाँ से एयर पिस्टन में आ जाता है। अब इसमें जो काम उसको करना रहता है वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ लिए। अब यहाँ पे पाँच नंबर की बात है, क्या है, निकास वाल्व, ठीक है, निकास, निकास मतलब समझ रहे हैं ना, ये पाँचवा नंबर देखिए, निकलने का बात कर रहा है। इसमें एयर आया इंजेक्टर से, डीजल या पेट्रोल जो भी है, यहाँ पे फायरिंग किया एक बार और इसमें जोर से दबाया, कंबर्सन बना और यहाँ से रिलीज कर दिया, ठीक है, एग्जॉस्ट की तरफ से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है निकास वाल्व, ठीक है। तो यहाँ पे भी एलिगेट स्टेमसिल लगा हुआ है, यहाँ से जोर से हवा फेंकता है, ठीक है, ये प्रक्रिया होते रहता है, इधर से जाता है, आधा हवा इधर जाता है, आधा हवा इधर आता है, इसको ठंडा करने के लिए इंटरकूलर। तो यहाँ से जब भी ये पाँच नंबर की तरफ से निकलते हुए जाएगा तो यहाँ पे टर्बो में जाएगा, टर्बाइन के कोर में, तो यहाँ पे आधा निकलेगा और आधा इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या लिखा है, टर्बाइन इनलेट, तो इसी कोर को बोलते हैं टर्बाइन, इसमें जो दो कोर लगा हुआ है इसको टर्बो बोलते हैं, इसको टर्बाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी का बात चल रहा है, टर्बाइन इनलेट, तो यहाँ से हवा जो जाएगा टर्बाइन इनलेट के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो उसको काम करना होता है वो काम करता है और आधा हवा साइलेंसर को देता है और आधा हवा इसको दे देता है, जो कि टर्बो का सिर्फ यही भूमिका है, ये जो हवा है आधा इसको देता है ताकि ये और ताकत से पिकअप बना सके। तो टर्बो ऐसा ही काम करता है, आपको जो मैं समझा दिया। अब लास्ट बारी है जो सात नंबर की, यहाँ से टर्बाइन डिस्चार्ज। अब किसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, अब उसको डिस्चार्ज करने की बारी है, तो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है सात नंबर, ये लास्ट पोजीशन। सात नंबर से जो भी एयर बचा वो साइलेंसर के तरफ से निकल के गाड़ी के पीछे आ जाता है। तो आप लोग को ये साथ समझ में आ ही गया होगा कि टर्बो इंजन, इंजन में टर्बो आखिर देता क्यों है, हमारे गाड़ी में जो पिकअप है, सडन पिकअप बनती है, वो मेन पूरा भूमिका रहता है इस टर्बो का। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे टर्बो और नॉर्मल इंजन के बारे में। तो नॉर्मल इंजन में पिकअप कम क्यों रहता है और थोड़ा माइलेज भी ज़्यादा रहता है, इसमें पिकअप कम मिलेगा भाई, यहाँ सीधे इसको हवा घसीटना है बस। यहाँ पे देखिएगा छोटा सा एक एग्जॉस्ट से पतला सा पाइप निकल के इनलेट के तरफ रहता है, वो छोटा सा वाल, वो भी थोड़ा काम करता है पिकअप के, पिकअप को मदद करता है। अब यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है गोल, ये नॉर्मल इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एयर फिल्टर लगा है। और दोस्तों यहाँ से एयर फिल्टर से डायरेक्ट हवा कहाँ से घसीटता है, इंगलेट के पास आता है, यहाँ पे इंगलेट वाल लगा हुआ है जो मैंने यहाँ पे बात किया हूँ, ठीक है, जैसे चार नंबर में यहाँ पे बात किया हूँ ना, यहाँ पे सेवन वाल, तो यहाँ पे वाल लगा हुआ होता है, जब भी यहाँ से एयर घसीटता है यहाँ पे रुकता है और ऐसा इसको लगता है कि अब हमको काम करना चाहिए, तो ये पिस्टन क्या करता है, इसको क्लोज करता है और इसको नीचे की तरफ खींच के इसमें हवा घसीट के और डीजल फायरिंग करके, पेट्रोल फायरिंग करके इसमें कंबर्सन बना के फिर से यहाँ से एग्जॉस्ट की तरफ से इसको रिलीज करता है, ठीक है। इसमें कुछ भी टर्बो नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है साइलेंसर के बड़ा सा डूम, जिससे 75% जो होता है वो गर्म हवा, मतलब यहाँ से जो प्रेशर बनता है 75% रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे जो बड़ा सा लगा हुआ होता है और इसमें 25% जो होता है हवा रोक के फिर इसको रिटर्न देता है कि ये कंबर्सन बनाए, ताकत बने इंजन को, तो उसी से यहाँ पे ये नॉर्मल इंजन काम करता है। इस इंजन के मुकाबले इस इंजन में पिकअप कम मिलता है और थोड़ा माइलेज इसमें ज़्यादा मिलता है। और इसमें पिकअप का तो बात ही नहीं कीजिए, टर्बो इंजन के बात ही नहीं कीजिए, टर्बो इंजन में एकदम मस्त रहता है।
तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि इस ये इंजन आखिर चलता कैसे है, काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप लोगों को एक इंजन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इंजन का फोटो, यहाँ से समझ लीजिए ये फ्लाईव्हील की तरफ चला जाता है, कहाँ, गियर बॉक्स में। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसको भी समझा दूंगा इस वीडियो में, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए ये फर्स्ट पिस्टन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हो गया कौन सा इंजन, ये हमारा नॉर्मल इंजन हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही देखने में नॉर्मल लग रहा है और इसमें एग्जॉस्ट से एक लेके पाइप, मतलब जो कंपनी फिटेड रहता है वो टर्बो बना सकता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कैसे दो पिस्टन काम करता है, दो पिस्टन नीचे आता है तो दो पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, ये दोनों फायरिंग करता है तो ये कंवर्सन बना के, जब ये घींचता है, दोनों घींचने के तैयार रहता है अंदर हवा घसीटने के लिए, तो ये जो होता है दोनों पिस्टन, ये रिलीज करने के लिए तैयार रहता है कि साइलेंसर से रिलीज करता है। फिर ये दोनों नीचे की तरफ आता है तो ये घींचने के लिए दोनों रेडी रहता है, फिर ये दोनों ऊपर की तरफ जाता है तो ये दोनों फिर नीचे की तरफ आता है। तो आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपको समझा देता हूँ रनिंग कंडीशन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे रनिंग कंडीशन में इस तरह बिल्कुल इंजन काम करता है, ठीक है। जैसा यहाँ पे टाइमिंग चैन लगा हुआ होता है, ये दो कैम लगा हुआ होता है, ये फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, लेकिन ये दोनों पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसा हम लोग बात करेंगे कि इंजन में चार पिस्टन होते हैं, लेकिन सही में देखा जाए तो दो दो ही काम करता है फेरा फेरी। जैसे ये दोनों काम किया तब तक ये दोनों घसीटने के लिए रेडी रखता है, मतलब बारी बारी से दोस्तों यहाँ पे दोनों काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो जिसमें ग्रीन ग्रीन बन रहा है और जिसमें ये कंबर्सन बन के जल जल रहा है, तो यहाँ पे समझ लेंगे। ये देखिए कैसे खींच रहा है और यहाँ पे यहीं पे वाल लगा हुआ होता है, देखिए ये टाइमिंग चैन घूम रहा है। तो ये जितना अभी तो हम नहीं बता पा रहे हैं, जो समझ लीजिए यहाँ पे येलो कलर का हो रहा है वो हवा छोड़ दे रहा है एग्जॉस्ट को, जो साइलेंसर में हवा चल जाता है, और जो ये थोड़ा बन रहा है नीला कलर का, जिसको ब्लू बोल सकते हैं शायद, तो ये ब्लू जो बन रहा है वो हवा घसीटने के लिए काम कर, जब तक ये ब्लू है तब तक समझिए ठंडा है। अब जैसे ही एक बार और धक्का मारता है ना तो ये बर्न होके ये कंवर्सन में चेंज हो जाता है, ये गाड़ी चलने लायक हो जाता है। दोस्तों तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यही सब छोटा छोटा माध्यम से मैं आप तक नॉलेज पहुंचाना चाहता हूं, और आप और मैं जो नहीं जानता हूं कुछ गलत होता है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अनुज भाई ये आप गलत बोले हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट बार प्रयास करूंगा कि आप तक वो सुधार के वो चीज़ मैं पहुंचाऊं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि टर्बो इंजन के मुकाबले नॉर्मल इंजन में क्या फ़र्क रह गया है, और ये दोनों में इंजन में कौन लेना चाहिए आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको पिकअप चाहिए, एकदम सडन पिकअप चाहिए, मस्त चलाने में मज़ा चाहिए तो आपको टर्बो इंजन चुनना चाहिए, और माइलेज चाहिए तो आपको नॉर्मल इंजन चुनना चाहिए। तो हर गाड़ी में आप लोग खुद से ही पता कर लीजिएगा कि कौन गाड़ी आपको लेना है नहीं लेना है। तो इस वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पे जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है इसको क्लिक जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो लाइक बटन है इसको भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए दोस्तों।